सब तो पहला पंजाब के अंदर श्री वाल्मीक जी के जन्मदिन के मौके कोई 40,000 के इकट्ठ अमृतसर में मैं मंग की थी अपनी केंद्रीय पार्टी तो पंजाब के अंदर श्री वाल्मीक जी के जन्मदिन के मौके कोई 40,000 के इकट्ठ अमृतसर में मैं मंग की थी अपनी केंद्रीय पार्टी तो कि चरणजीत सिंह चन्नी एक योग आदमी है जिहड़े पंजाब दी चरणजीत सिंह चन्नी विधानसभा के सब तो वध पढ़े लिखे व्यक्ति है उन्हां दी बड़ी दूरअंदेशी है बड़ी दूर अज साड़ी ओहो पंजाब दे लोकां दी पंजाब किस पार्टी दी भावना दी कदर करदिआं केंद्र सरकार ने सॉरी केंद्रीय पार्टी ने चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ला हुण कोई ताकत पंजाब च ना कांग्रेस की सरकार बन नूं रोक सकती है ना चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री बन तो रोक सकती है। और ये भी मैनू माण है कि हुण अगली 5 साल सार रोपड़ जिले चो चलेगी और चमकौर साहब दे बराबर का हिस्सा मैं आनंदपुर साहब नूं लेके दऊंगा और विकास दियां नवीं मंजिलां तय करांगे नंगल का नक्शा बदलांगे आनंदपुर विधानसभा का नक्शा बदला सारी ताकत झोंक देवांगे पंजाब सरकार पंजाब दे सुपिके जाण वास्ते और रोपड़ जिले के पिछड़े हुए इलाके आनंदपुर साहब नूं अगे लैके जाण वास्ते पूरी ताकत नाल काम करांगे। सर बेरोजगार दूर करने वास्ते कोई दिमाग कैसी योजना होवे जिहड़ी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री मेरे दिमाग च योजना बड़ी है मैं उहदा खुलासा नहीं करना चाहुंदा उहदा खुलासा मुख्यमंत्री जी करनगे सही टाइम ते असीं इक व्यापक प्रोग्राम बनाया नंगल नूं अगे लैके जाण दा नंगल दी बेरोजगारी नाल पूरी टक्कर लवांगे और नंगल की बेरोजगारी नूं ठल पावांगे इहदे वास्ते असीं बहुत वड्डा एक प्रोग्राम बनाया वो मुख्यमंत्री जी जदों चाहणगे वो ऐलान करन। सर जिस तरह आम आदमी पार्टी के कल जिहड़े सीएम चेहरे आ उह सब तो पहला कल असीं तख्त श्री केसगढ़ साहब नतमस्तक होवांगे गुरु महाराज दसम पाश गुरु महाराज नौवें पातशाह दे दरबार च हाजिर होवांगे आनंदपुर साहब मैं चन्नी जी की गल करदा चन्नी से ते उस तो बाद फिर अगला प्रोग्राम लिखांगे जो भी जरूरी होया वो करांगे जो भी करांगे। और अज तो मैं कहना है कि रोपड़ जिले दे भाग जाग पए कि रोपड़ जिले की मां का पुत अज पंजाब दा आउण वाला ऐलान के कांग्रेस ने रोपड़ जिले नूं मेरे आनंदपुर नूं बहुत बड़ी देण दित्ती।